कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कहावत नोएडा के सेक्टर 12 में रहने वाले सोनू ने सिद्ध करके दिखाई है। सोनू दोनों आंखों से देख नहीं सकते, बावजूद इसके वो अपने खेल से जिंदगी के अंधेरे को रोशन कर रहे हैं। और यही वजह है कि सोनू इंटरनेशनल चैंपियनशिप में चमक बिखेरने में कामयाब रहे। सोनू ने पिछले दिनों बेंगलुरु में हुई 5वीं इंडियन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। उन्होंने शॉटपुट और डिस्कस में यह कामयाबी हासिल की है। इससे पहले सोनू 2015 और 2018 में विश्व चैंपियनशिप में भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सोनू इन दिनों चाइना में होने वाले एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। सोनू के कोच अभिषेक ने बताया कि बहुत ही होनहार हैं और एक दिन वो बड़ा मुकाम हासिल करके रहेंगे। खबर उन्नाव से, वहां पर नोट के बंडल के साथ थानेदार के परिजनों का फोटो वायरल हो रहा है और इसमें थानेदार के परिवार के लोग करीब 14 लाख रुपए के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। ये वीडियो SHO बेटा मुजावर के परिवार का बताया जा रहा है। तस्वीर में नजर आ रहा है कि बिस्तर पर 500 के नोटों की गड्डियां पड़ी हुई हैं और थानेदार के परिजन नोटों की 27 गड्डियां लेकर बैठे हुए हैं। मामले पर SP ने संज्ञान लिया और उप निरीक्षक रमेश चंद्र साहनी को लाइन हाजिर कर दिया है। ये देखिए आप, थानाध्यक्ष के परिवार का ये फोटो वायरल है जिस वक्त आप देख रहे हैं। 500 के नोटों की गड्डियां लेकर, 27 गड्डियां लेकर ये परिवार बैठा हुआ है और थाना प्रभारी लाइन हाजिर कर दिए गए इसी मामले में। ये उन्नाव की तस्वीर है, थानाध्यक्ष का परिवार है इस फोटो में और नोटों की गड्डियां लेकर बैठा हुआ है। ये 500 के नोटों की गड्डियां हैं, आप साफ देख भी सकते हैं। यही बारिश में जालौन में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर में जहां तहां जलभराव की स्थिति है, सड़कें तालाब नजर आने लगी हैं, राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि नगर पालिका ने नालों की साफ सफाई नहीं कराई थी और इस वजह से यह समस्या पैदा हुई। देखिए आप जालौन की तस्वीरें, जल भराव की तस्वीरें, और आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों की तकलीफ किस तरह की होगी। इस तरह की स्थितियां जो कि रिहायशी इलाकों में बनी हैं लगातार बारिश के बाद से, वो इसलिए हैं क्योंकि पानी निकासी का इंतजाम ठीक नहीं है, क्योंकि नालों की सफाई ठीक से नहीं की गई और मानसून की बारिश शुरू होते ही लोगों की मुश्किल बढ़ गई। खबर बांदा से है, वहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एक कार सड़क के किनारे पर खड़े ट्रक से जा टकराई है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक शख्स के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी भी 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और ये सभी लोग तिलौसा गांव के रहने वाले। बांदा की तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ सस्ते आशियाने के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। दरअसल शहर के लूकरगंज इलाके में अतीक के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट्स बनाए गए। यहां लाभार्थियों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में 2 कमरों के फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। सितंबर 2020 में यह जमीन अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई। 76 फ्लैट्स के लिए 6,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।